आप देख रहे हैं दिल्ली अप टू डेट। राजस्थान के जोधपुर में सोमवार रात दो समुदायों के बीच हिंसक झड़प हुई। शहर में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए शहर में इंटरनेट सेवाओं को स्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया है। राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। गौरतलब है कि ये झगड़ा जालौरी गेट चौक के बाल मुकुंद बिस्सा सर्कल में भगवा झंडा फहराए जाने के स्थान पर इस्लामिक चिन्ह के झंडे के साथ संघर्ष शुरू हुआ। इस बात को लेकर दोनों पक्षों के बीच तनाव इतना बढ़ गया कि आधी रात को जमकर पथराव हुआ। वहीं इस पथराव में कई लोग घायल हो गए हैं। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और भीड़ को तीतर बीतर करने के लिए बीच बचाव किया, लेकिन भीड़ बेकाबू हो चुकी थी, इसलिए पुलिस को लाठी चार्ज करना पड़ा। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दो समूहों के बीच जोधपुर में हुई झड़प को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए जिला प्रशासन को हर कीमत पर कानून व्यवस्था की स्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया, साथ ही लोगों से शांति और सद्भाव बनाए रखने की अपील की है। जोधपुर जिला प्रशासन ने तनावपूर्ण माहौल को देखते हुए घटना के बाद एहतियात के तौर पर इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी है। बता दें कि जोधपुर में रात 1 बजे से इंटरनेट सेवाएं ठप है। जोधपुर के संभागीय आयुक्त हिमांशु गुप्ता की ओर से जारी आदेश में पूरे जोधपुर जिले में इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। वहीं आज ईद भी है और इससे पहले इस तरह के बवाल से प्रशासन के पसीने छूट चुके हैं। हिंसक झड़प के दौरान भीड़ को तीतर बीतर करने में जुटी पुलिस पर भी पथराव किया गया, जिसमें 4 पुलिस कर्मी बुरी तरह से घायल हो गए। इनमें 2 SHO और 1 कांस्टेबल है। वहीं घटना की जानकारी जुटा रहे 4 मीडिया कर्मियों के भी घायल होने की सूचना है। इस घटना के बाद से ही शहर का माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है। ईद को देखते हुए भारी संख्या में पुलिस बल तैनात की गई है। पुलिस ने ईद के त्योहार को सांप्रदायिक सहौद के साथ मनाने की अपील की है। बता दें कि झगड़ा उस समय हुआ जब जोधपुर के जालौरी गेट सर्कल पर कुछ लोगों ने परशुराम जयंती के मद्देनजर भगवा झंडे लगा दिए थे और दूसरे पक्ष के लोगों ने झंडा हटाकर इस्लामी प्रतीक वाला झंडा लगा दिया, जिसके बाद यह सारा विवाद खड़ा हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली अप टू डेट।